नमस्कार सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन नई दिल्ली। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट होती है, मतलब व्हाट इज दी कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया या दिल्ली। अगर हम बात करें, कई लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कॉस्ट क्या होगी, या कई लोग फोन पे इंक्वायर करते हैं कि डॉक्टर साहब कॉस्ट क्या होगी, और कई लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 10,000 में या 20,000 में हमें पैकेज मिल रहा है, आप ऐसा क्यों कोटेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप अपने सर्जन की थोड़ी छानबीन कीजिए। इसका मतलब है कि आपका सर्जन कौन है, क्या वो प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड है। कोशिश करिए कि प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाएं, क्योंकि सर्जरी की नॉलेज जो प्लास्टिक सर्जन की होती है वो और किसी के पास नहीं होती, स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें। सो हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट होती है वो कितने फॉलिकल्स लगेगी उस पर डिपेंड करती है। एक और जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं, एक ग्राफ्ट और फॉलिकल में फर्क पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब यह है कि एक ग्राफ्ट में 2 से 4 फॉलिकल हो सकते हैं, और हमारे इंडियन पेशेंट्स में यूजली 1 से 3 फॉलिकल होते हैं, किसी किसी में 4 फॉलिकल वाला ग्राफ्ट मिलता है। तो आप ये अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि डॉक्टर साहब आप 3,000 ग्राफ्ट बोल रहे हैं या 3,000 फॉलिकल बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमें तो 10,000 फॉलिकल बोले थे, तो वो तो ग्राफ्ट ही हो गए ना। तो हम ये बताने जाते हैं कि 10,000 फॉलिकल का मतलब 10,000 ग्राफ्ट नहीं होता है, 10,000 फॉलिकल का मतलब होता है 4 से 4,500 ग्राफ्ट जो कि 10,000 फॉलिकल के बराबर होते हैं। सो एक तो अपने सर्जन की छानबीन और उसके बारे में जांच कीजिए कि कौन कर रहा है। दूसरी बात, क्लिनिक का सेटअप कैसा है, ओटी प्रॉपर है नहीं है, सफाई है कि नहीं, वो सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सब देखना चाहिए आपको। दूसरी बात, एग्जैक्ट फॉलिकल्स क्या लगने हैं, ग्राफ्ट क्या लगने हैं, ये आप उसकी तह तक जाइए, अपने डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। उनके पुराने रिजल्ट्स देखिए, कंपेयर कीजिए, उनको बोलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिखाएं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट क्या है, नेचुरल है कि नहीं है, तभी हम एक कॉस्ट पे अराइव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पैकेज बना देते हैं जो आपके लिए वाजिब होता है पूरा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, ये मत सोचिए कि डॉक्टर आपकी कॉस्ट बहुत इन्फ्लेटेड बोल रहा है, क्योंकि एक बार समझ लीजिए कि अगर सर्जन ऑपरेशन करेगा तो वो एक टेक्नीशियन की कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब है कि केवल अगर टेक्नीशियन ही ऑपरेशन करेगा शुरू से एंड तक, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली 20 से 30,000 ही होगी। उसकी कभी भी कॉस्ट 60 से 70,000 या कभी बार लाख रुपए भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ग्राफ लगने हैं और कितने सेशन होने, कई बार एक सेशन ही 2 सेशन भी हो सकते हैं, या पीछे से स्कैल्प से नहीं हम बियर्ड से भी निकाल सकते हैं बाल। तो उस सब चीजों पे कॉस्ट निर्भर होती है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी बढ़ी होगी और आपके कुछ शंकाएं डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।